अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव हमने शिमला मिर्च ली है, यानी 250 ग्राम हमारी शिमला मिर्च है। 3 दरमियाना साइज के आलू लिए थे, उन्हें बॉयल करके उनका छिलका उतार लिया। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1 दरमियाने साइज की प्याज ली थी जिन्हें हमने कट कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया है, 3 टेबल स्पून इमली का पल्प है और 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम प्याज डाल लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसके अंदर इमली का पल्प डाल लेते हैं। अब जितने भी तमाम मसाले हैं वो डाल लेंगे इसके अंदर। अब हम इसकी 2 मिनट भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर आलू शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हम हाथों से मैश कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि ये मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। अभी देखिए हमने इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आपस में। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी शिमला मिर्च की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब शिमला मिर्च को हम कट कर लेंगे। ऊपर का ये टॉप वाला हिस्सा है, इसको हम एहतियात से इस तरीके से कट करके अलग निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हमने टॉपिंग इसी से करनी है इसकी। और बीच में से होल कर लेंगे और जितने भी बीज हैं तमाम निकाल लेंगे। ये देखिए निकल चुका है। इस तरीके से हम तमाम शिमला मिर्च को खाली कर लेंगे, तमाम बीज निकाल लेंगे। तमाम शिमला मिर्च को हमने खाली कर लिया। इसका जो टॉप का हिस्सा है वो हमने अलग करके रख लिया, ये हमने फेंकना नहीं है। अब हम शिमला मिर्च की फिलिंग कर लेते हैं। बहुत आसानी ये हो जाती है। अभी देखिए एक हमने कर ली और अब इसके ऊपर हम ये टॉप का जो हिस्सा था मिर्च का वो इस तरह कवर कर देंगे। इस तरीके से जितनी भी है हम तमाम को कर लेंगे। अब ये देखिए सब हो चुकी है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी वो ये हैं। 2 टेबल स्पून दही है, 1 प्याज ली है छोटे साइज की जिसे हमने कट कर लिया, 1 कप कुकिंग ऑयल है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून नमक है। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने जो 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था उसमें से 1/2 कप हम इसके अंदर डाल लें, 1/2 कप हम बाद में डालेंगे। अब हम एक एक करके तमाम शिमला मिर्च उठाएंगे और इसको इस तरीके से रख देंगे। और अलट पलट करके हमने इसको इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है।
अब ये देखिए तमाम फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर जो हमने बाकी का बचाया हुआ ऑयल था वो डाल लेंगे। अब प्याज डाल लेते हैं, प्याज को हमने ब्राउन करना है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर हम। अब इसको हम भून लेंगे। अब जितने भी तमाम खुशक मसाले हैं वो तमाम डाल लेंगे और दही भी डाल लेते हैं। हमने इसके 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे। अब हम शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं इसमें और अब इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। अभी देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजीली हमने इतनी मजेदार सी भरवा शिमला मिर्च तैयार की है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज आपको फौरी मिल सके। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।